सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा उस टाइम कर रहा था तो ये आगे की वीडियो आती गई और ये पीछे चलता एडिट नहीं कर पाया। थोड़ा सा टाइम इसको एडिट करने में टाइम लगा मुझको, तो अपलोड करने में भी टाइम लग गया, तो ये थोड़ा सा 2 महीने लेट इसको अभी अपलोड कर रहा हूँ। बट आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा इधर उधर। आप लोग को इस वीडियो में मैं संगम के टोटल एरिया जो है और संगम आके आपको क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ विज़िट करना चाहिए वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। और हाँ गाइज, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बात आप लोग को बता दें, प्रयागराज की इसके पहले 3 वीडियोज आ चुकी हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, एक खुशरो बाग और एक है थर्ड नंबर का भरद्वाज आश्रम या पार्क। 3 वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको भी मस्ट वॉच मतलब देखिएगा। तो गाइस आज हम आ गए हैं संगम, संगम का कैसा नज़ारा है। हमारे फ्रेंड्स आज तो खो गए थे भाई, उधर जाके अनाउंस कराना पड़ा उन लोगों को, तब कहीं जाके हम लोग वापस मिले हैं। अभी देखो ये लोग कुछ हाय बोला हाय, ये सभी इधर पे आके कुछ खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे संगम स्नान करने, उसके बाद फिर गाइस अभी हम जा रहे हैं उधर साइड से बोट लेंगे, कैसा दिख रहा होगा। बोट लेने के बाद फिर हम लोग संगम जाएंगे, संगम जो जहाँ पे गंगा यमुना मीटअप करती हैं, लाइक दोनों नदियाँ पवित्र, भारत की पवित्र नदियाँ हैं। और नियर अबाउट यमुना नदी जो है सहायक नदी है, वो इंडिया में सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और जो गंगा रिवर है तो अपने ऋग्वेद और पुराणों में भी इसका नाम आता है गंगा रिवर। उसके बाद हम लोग जब भी जानते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि लाइक पूरे इंडिया में 4 संगम होते हैं और प्रयागराज संगम जो है वो पूरे सारे संगम में से एक है, जो कि बहुत फेमस है। हर यहाँ पे हर ईयर यहाँ पे माघ मेला लगता है, पूरे 3 मंथ लोग यहाँ पे आते हैं। और जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, भीड़ से भी लग रहा होगा कि कितने लोग आएंगे, पूरे 1 महीने यहाँ पे लोग कल्पवास करते हैं। उसके बाद फिर इधर से लोग ढेर सारे, जो लोगों कहावत है कि जो एक बार गंगा स्नान कर लिया ये वो दुनिया का, आई डोंट नो मतलब मोर, बट काफी अच्छा है। आप लोग आइए और यहाँ के संगम की खूबसूरती और गंगा यमुना के मीटअप का आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अरे नहीं यार, खाओ, ठीक है, हो गया। ये अंकल बना रहे हैं पकौड़े और हमारे फ्रेंड से आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको ये सब कुछ है। आपको संगम का एरिया है, ये हम लोग उधर पे ही जाएंगे बोट लेकर। ये इधर से बोट मिलता है इस साइड से, अब इधर से ही बोट लेकर हम सारे फ्रेंड्स जाएंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, शाकेत भाई, और ये सारे कानपुर से आए हैं। तो गाइस मैंने ये ले लिया है, इसमें गंगा जल लेंगे, फिर उसके बाद अभी गंगा जल लेंगे, मेन संगम में जाना पड़ेगा। अभी हम इधर से बोट लेने जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड और ये आगे भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। उसके बाद लेकर आएंगे बाहर, वैसे उधर पे ज्यादा नहीं ना आएंगे भाई, नॉर्मल अभी उधर से थोड़ा सा लेकर, फिर उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बट
किनारे पे असली नहाने में जो मजा है ना भाई, किनारे में ही आता है। तो उधर से आने के बाद इधर हम लोग एंजॉय करेंगे सारे फ्रेंड्स। गाइस वो आपको किला दिख रहा होगा, उस किले को अकबर ने बनवाया था और बाद में उसके अकबर के बेटे ने वहाँ पे उनसे बगावत करके यहीं पे कुछ सालों तक यहीं से शासन और सारा कुछ शासन किया था। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद उन्होंने अपना यहाँ आर्मी बेस बना दिया, मिलिट्री बेस बना दिया। उसके बाद आज के समय में इंडिया का भी मिलिट्री बेस है, आर्मी के लोग रहते हैं वहाँ पे। और उधर पे अच्छा अंदर के साइड में अच्छा वट है जो कि बहुत फेमस है और काफी पुराना है, हजारों साल पुराना है जो कि अभी भी है। और अंदर ही अच्छा वट मंदिर है। उसके बाद ये यमुना का एरिया है, यमुना रिवर्स है इधर। और उसके बाद आपको दिखता है कुछ ऐसा व्यू, ये यमुना रिवर में कुछ इस तरीके से बोटिंग और सारा कुछ सेपरेट बनाने जाने का। हम लोग इधर से ही बोट लेंगे, जो भी है नॉर्मल बोट है, लकड़ी का बना हुआ भाई, ठीक है। स्टीमर नहीं चलती है इधर अभी, तो गवर्नमेंट ही चलाती है। इधर स्नान करने का लोग, ये यमुना रिवर है, लोग संगम में स्नान करने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ स्नान किया जाए। तो लोग यमुना रिवर, गंगा रिवर सबको एक मान के वो लोग कर लेते हैं, तो ठीक है कोई नहीं। बट ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो संगम में स्नान करते हैं, लाइक वो आपको मिडिल में दिख रहा होगा वो। उधर हम लोग बोट से जाएंगे और उधर साइड में गंगा रिवर में लोग स्नान करते हैं। वो आपको सामने दिखेगा अरैल घाट, जो प्रयागराज का जो एकमात्र पक्का घाट है जो नए साइड से होके आता है। हम लोग नाव में बैठ गए हैं, अभी लाइफ जैकेट पहनना बाकी है। और ये देखो सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, अभी सब लाइफ जैकेट पहन रहे भाई, ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इधर आओ तो भाई जरूर वियर कर लेना यार। अभी हम यमुना रिवर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर संगम जाएंगे, फिर उधर से ही रिटर्न आना है सेम। आपको ज्यादा से 60 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। चचा भाई लग रहा है जैकेट पहना, जैकेट भाई के देखो फोटोग्राफी हो रही है। पहन ले भाई पहन ले, फोटो वोटो निकाल के पहन ले। तो फ्रेंड्स हम रेडी हो गए जाने के लिए। तो भाई हमारी नाव चल रही है भाई। ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, इधर पे आई हैं, हर बार ठंडियों में आती हैं भाई, जो रिलैक्स मिलता है। साइबेरियन बर्ड्स हैं ये, हजारों किलोमीटर का ट्रैवल करके ये लोग साइबेरिया से उड़ के इधर आते हैं गंगा यमुना संगम पे, और जो कि बहुत अच्छा है। इनके लिए हम लोग फीडिंग भी कर सकते हैं इधर पे, किस उनके लिए फीडिंग के लिए स्पेशल ये बेच रहे हैं, इन कुछ बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये लोग विशेष एंजॉय कर रहे हैं फोटोग्राफी एंड ऑल। ये प्रयागराज है, कुछ ऐसा है भाई। इधर बुलाना, पीछे क्यों बुला रहे भाई, आगे बुलाओ। आओ ये इधर देखो, इधर इधर ये सागर, सारे सागर में घुसते हैं। यमुना रिवर में अभी हम लोग हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे ऐसे होते हुए। उधर पे संगम है, आपको दिख रहा होगा वो ढेर सारा बैरिकेडिंग लगी होगी, सारी चीज़ें। वो संगम है जहाँ पे गंगा यमुना मीटअप होता है। उसके बाद फिर इधर साइड में ये लोग रिवर बैंक पे जो सब स्नान करते हैं लोग, और ये सारे लोग हैं, ये हमारी बोट है, और ये बर्ड्स हैं। ना
उधर सामने आपको दिख रहा होगा वो किला है, उधर से ही सारी बोट्स मिलती हैं। आप लोग कभी भी आए तो इधर आपको बोट्स लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो उधर पे फर्स्ट आप किला के पास चले जाइए, उधर से ही बोट मिलेगी आपको संगम के लिए या फिर आपको ऐसे घूमने के लिए। नॉर्मल डेज में आएंगे तो इतना भीड़ नहीं होता है तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, बट आप जब माघ मेले टाइम में आते हैं तो ये भीड़ आपको देखने में मिलती है, इतनी ढेर सारी गैदरिंग मिलती है सारा कुछ है। बट अभी नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं है, आपको फीडिंग के लिए आपको जो भी साइवन बर्ड्स को आपको कुछ भी खिलाना है तो इनके फीडिंग के लिए सब कुछ मिल जाता है आपको इधर, चाहे आप बाहर से परचेज कर सकते हैं या फिर इधर पे आके परचेज कर सकते हैं। देखिए उधर पे देखिए कुछ ऐसा है, को संगम व्यू पॉइंट भी मिलता है, वो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, संगम व्यू पॉइंट है उधर से आपको संगम का पूरा नजारा आपको दिखता है भाई। और ऐसा नैनी न्यू ब्रिज भाई, ये टू पिलर्स पे पूरा टिका हुआ है, आपको ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो कि यमुना रिवर पे है और इसको हम लोग न्यू ब्रिज या फिर अभी कुछ अलग नाम रख दिया है। ठीक है, हम लोग लोकल से तो हम लोग यही जानते हैं कि लाइक यमुना न्यू ब्रिज है, हम लोग न्यू ब्रिज के नाम से ही जानते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा ऐसा, आप आइए शाम को यहाँ का देखने का नज़ारा भाई अलग ही होता है, अलग लेवल का होता है, एकदम स्वैग लेवल का भाई, जो लाइटिंग वो सारी चीज़ें होती हैं और लोग शाम को या फिर पर डे ही भीड़ होती है यार वहाँ पे, बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए, संगम को इन्जॉय कीजिए, प्रयागराज को इन्जॉय कीजिए, प्रयागराज में बहुत सारे प्लेस हैं। आज टोटल प्लेस आपको एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि संगम वास्तव में प्रयागराज जो है किस लिए फेमस है और यहाँ का कल्चर क्या है, उस यहाँ के लोगों का नजरिया और किस तरीके सोचते हैं, वो सारी चीजें आपको शो करेंगे इस वीडियो में आप लोग को। पैरेलल में प्रयागराज अपने जीवंत विचारधारा और जीवंत जो व्यूज है इसके लिए फेमस है और यहाँ का संगम जो है भाई लाजवाब है, आप लोग को आना चाहिए यार, मुझको लगता है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा यमुना रिवर का पानी थोड़ा सा ब्लीस है, थोड़ा नीला नीला है, बट जो गंगा रिवर है उसका पानी जो है थोड़ा सा मटमैला टाइप है या ब्राउनिश टाइप है आप कह सकते हैं। वहाँ पे दोनों रिवर से मीटअप कर रही हैं बट उनका पानी एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहा, वो अलग ही सेपरेट है सब सारा कुछ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अब पहुँचने वाले हैं, जस्ट पहुँचने वाले हैं, अभी 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, इधर पे जा रहे हैं, इधर देखिए गंगा यमुना का पार है, जो कि जो यमुना रिवर है वो काफ़ी गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरा है, बट कि गंगा रिवर है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, मटमैला टाइप उसका वाटर होता है थोड़ा सा। आपको ये सेपरेट आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, आप देखेंगे केयरफुली तो आपको एक लाइक होता ना, एक लाइन सी बन गई है भाई कि इधर से यमुना रिवर, इधर से गंगा रिवर, और यमुना रिवर थोड़ा सा शांत रिवर है, लाइक यहाँ पे ज़्यादा वैसा वेव्स नहीं आती हैं, बट गंगा रिवर में ऐसा नहीं है, काफ़ी स्पीड है उसका, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो काफ़ी स्पीड है उसका, बट इसमें यमुना रिवर में ऐसा नहीं है। तो अभी हम संगम जस्ट पहुंचने वाले हैं, जस्ट वो सामने आपका संगम है, संगम है और पहुंचने वाले हैं हम लोग। आप लोग के एक बात और बता देना चाहते हैं कि गंगा रिवर जो है आप हजारों सालों तक रिवर वाटर है, गंगा रिवर वाटर है, उसको हजारों साल तक आप कहीं पे एकत्रित करके कहीं पे रखेंगे, उसमें कीड़ा या फिर किसी बॉटल में रखते हैं उसमें कीड़ा कुछ भी नहीं पड़ता है, कोई एक वायरस या कुछ भी मतलब होता नहीं, कुछ नहीं होता है, बट यमुना रिवर आपको 1 मंथ या 2 मंथ रख देंगे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कुछ, यही है यमुना रिवर या गंगा रिवर की स्पेशलिटी और वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ है, वो संगम है भाई, उधर पे ही जाना है हम लोग को। आज हमने ले रखा है गंगा रिवर वाटर लेने के लिए,
ये डिब्बा, और इसी में हम वाटर करेंगे संगम में जहाँ पे मीटअप होता है गंगा रिवर का। इधर पे ये है संगम का। भाई हमारी हमारी बोट एक दूसरे को टक्कर देते हुए निकल रहे हैं भाई। क्या कुछ बहुत रिस्क है और वो लेकर इन लोग को थोड़ा मेहनत करके यार काम करना पड़ता है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार वास्तव में बोट को। कब बोट थोड़ा केयरफुली बहुत चलाना पड़ता है। आप लोग आइए तो लाइफ जैकेट जरूर पहनिए हम लोगों की तरह। और ये अगर आपको लाइफ जैकेट नहीं देता तो आप आई थिंक आप अवॉइड ही कीजिए अंदर आने के लिए, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं बोट मतलब तैरना सब कुछ, बट हम लोग तो नहीं जानते हैं ना कि कैसे रिवर में, क्योंकि थोड़ा सा गंगा रिवर का वाटर फ्लो भी ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है। तो ठीक है अभी हम लोग कुछ ऐसा नजारा है संगम का। ये इधर इस साइड से गंगा रिवर आती है, उसके बाद इस साइड से यमुना रिवर आती है, जो कि आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा यमुना रिवर ब्रिज, न्यू ब्रिज, और हमारे भाई लोग हैं ये। और उसके बाद इधर बनारस निकल जाती है बनारस होते हुए फिर। वाह व्हाट ए व्यू। हम लोग पहुंच गए हैं संगम, यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्नान करेंगे कुछ भी, उसके बाद वाटर एक लेंगे गंगा वाटर संगम का, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे किनारे पे हेल्दी स्नान लाइक फनी स्नान करेंगे भाई उधर पे। भाई फुल मजा आने वाला है एकदम, आप लोग को भी मजा आने वाला है। मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही एडवेंचरस। आप उस साइड सेकंड गंगा यमुना संगम का रिवर का जो आ रहा है घाटा उस साइड में तो सामने आपको कुछ है ऐसा। भाई हमारी नाव सेक करती हुई थोड़ी थोड़ी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा देखो कैसे सेक कर रही है भाई नाव कैसे सेक कर रही है। तो गाइस हम आ गए हैं संगम, बट हम स्नान करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझको लगता है मेरा घर है, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, मैं इन लोग के फोन और ये सारे कपड़े वपड़े देख रहा हूँ भाई। वो लोग सब स्नान करने गए हैं, मैं तो इधर पे ही अभी हूँ, देखते हैं सब। ये हम संगम में आइए, इधर साइड में गंगा रिवर के और जो लोग स्नान करते हैं उनका है, और ये हमारा संगम है हमारा प्रयागराज। मोटर बोट भी चलता है भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न भाई। तबका बोल बाहर तबका तुच्छ क्वालिटी फोन है का वहाँ तो है पानी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता मेरे पास इतना ही टाइम है ना यही सब करने का। कहाँ आई है भाई चप्पू चप्पू सामान गजब भाई
नहीं नहीं बहुत है वो नहीं हाँ वो ना मनी यार बहुत पांच जना है कोई तब एकदम मन इस वीडियो पोर्ट्रेट रहता है लेंस ला जा खरीद के देख डेढ़ हजार के हम लोग कहाँ गए थे वहाँ